नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग एक का पाठ दो। इस पाठ का नाम है बचपन और ये कहानी है। इस पाठ की लेखिका जो है वो है कृष्णा सोबती। तो पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको बताती हूँ इस पाठ में क्या है। जो लेखिका है कृष्णा सोबती, वो अपने बचपन के बारे में हमें बता रही हैं कि कैसे वो अपने बचपन में कहाँ रहती थी, क्या पहनती थी, कैसे खाना खाती थी, क्या क्या अपने घर में काम करती थी। मतलब एक तरह से कि उनका बचपन कैसे बीता, वो अपने बचपन के बारे में बता रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए पाठ का जो सारांश है क्या है कि लेखिका ने इस पाठ में अपने बचपन के बारे में बताया है कि लेखिका का जन्म पिछली शताब्दी में हुआ था। पिछली शताब्दी का मतलब क्या कि अगर हम आज उनको देखें तो वो क्या लगेंगी, जैसे हमारी दादी जी नानी जी की उम्र की हमें वो लगेंगी। इसलिए लेखिका ने क्या कहा है कि उनका जन्म पिछली शताब्दी में हुआ है। अब लेखिका की उम्र दादी या नानी जितनी होगी। बचपन से लेकर अब तक उनके पहनावे में बहुत परिवर्तन आए हैं। बचपन में वे रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, गहरे रंग के कपड़े पहनती थी, ठीक है। लेकिन अब जो है इस उम्र में आकर उन्हें गहरे रंग पसंद नहीं आते हैं। अब वो क्या सोचती हैं कि वो कुछ हल्के रंग के, बहुत बिल्कुल लाइट कलर के जो कपड़े होते हैं वो पहने, जैसे सफेद रंग होता है, ठीक है। पहले पहनती थी वो नीला, जामुनी, काला, ग्रे, चॉकलेटी, बहुत गहरे कलर होते हैं ये, गहरे रंग होते हैं ये, ठीक है। और अब वो सफेद रंग के कपड़े पहनती। पहले वो क्या पहनती थी बचपन में, फ्रॉक, निकरवॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, ये सब पहनती थी। लेकिन अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनती हैं जैसे वो बड़ी हो गई हैं। बचपन के कुछ फ्रॉक जो हैं उन्हें अभी तक याद है। उन्हें अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। क्यों याद है? सबसे मुख्य बात है ये इसमें, उन्हें ये मोजे और स्टॉकिंग इसलिए याद हैं क्योंकि उन्होंने उन्हें जो है बचपन में अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। तो जो काम हमें बचपन में खुद करना पड़ता था वो चीजें हमें याद रहती ही रहती हैं। इसलिए लेखिका को भी ये चीज याद है। हर रविवार को अपने जूतों पर पॉलिश करनी होती थी उन्हें, और उन्हें नए जूते से ज्यादा पुराने जूते पहनना पसंद था। क्यों? क्योंकि ये बात आज के समय में भी होती है कि जब भी हम कोई नए जूते लेके आते हैं तो शुरू शुरू में जब हम उनसे पहनते हैं तो हमारे पैरों में उनसे कुछ तकलीफ होती है, छाले हो जाते हैं जैसे। लेकिन इसलिए लेखिका को भी पुराने ही जूते पसंद थे पहनना। आज भी उन्हें बूट पॉलिश करना पसंद है। हर शनिवार को उन्हें सेहत ठीक रखने के लिए ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। उनके परिवार में उनके माता पिता ने ये नियम बनाया हुआ था कि स्वस्थ रहने के लिए उन्हें शनिवार को ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ेगा, इसलिए वो सभी पीते थे। उन दिनों क्या रेडियो और टेलीविजन तो थे नहीं लेखिका के समय में। कुछ घरों में क्या थे, ग्रामोफोन। तो लेखिका के अनुसार पहले और अब के खाने में भी बहुत अंतर आ गया है। पहले खाना कुछ और होता था, अब खाने में बहुत परिवर्तन आ गया है। आज के समय में फास्ट फूड, जंक फूड, ये बहुत ज्यादा आ गया है। पहले की जो कुल्फी होती थी अब वो क्या बन गई है, आइसक्रीम। जब हम लेखिका छोटी थी तो कुल्फी बोलते थे, अब आइसक्रीम बोलने लगे हैं। पहले जो कचौड़ी और समोसे होते थे वो अब किस में बदल गए हैं, पैटीज में बदल गए हैं। शरबत कोक और पेप्सी बन गया। पहले जो जैसे रूह अफजा होता है ये एक शरबत होता है, ठीक है। तो पहले इस तरह के शरबत चलन में थे लेकिन अब कोक और पेप्सी पिए जाते हैं। लेखिका के घर से मॉल जो है वो बहुत नजदीक था। मॉल आपको सबको पता है कि यहाँ पर तरह तरह की दुकानें होती हैं जहाँ पर सारा सामान मिल जाता है। उन्हें हर हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। देखो आज के समय में क्या होता है, बच्चे जब मन करता है, जितनी मन करता है चॉकलेट लेते हैं, खाते हैं। लेकिन पहले जो था ऐसा समय था कि इतनी छूट किसी के भी परिवार में नहीं होती थी। तो लेखिका बताती हैं कि उन्हें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट होती थी और सबसे ज्यादा चॉकलेट उन्हीं के पास रहते थे। उन्हें और क्या पसंद है, उन्हें चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण बहुत पसंद था। ये उस समय की खाने की चीजें होती थी।
लेखिका को पहले के चने जोर गरम और अब वाले में अंतर नहीं लगता, क्योंकि उनका स्वाद आज भी वैसा ही है। लेखिका ने अपने बचपन शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं, तो इससे ये पता चल गया कि लेखिका कहाँ की थी, शिमला की रहने वाली थी। घोड़ों की सवारी भी उन्होंने की है। सूर्यास्त के समय दूर दूर तक फैले जो पहाड़ थे उनका जो दृश्य था वो बहुत ही मनमोहक होता था। चर्च की बजती घंटियों को संगीत सुनकर लगता कि प्रभु ईश कुछ कह रहे हैं। स्कैंडल पॉइंट के सामने के शोरूम में एक शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना था। ये जो है स्कैंडल पॉइंट के सामने शोरूम में, ये एक शोरूम, यहाँ पर एक दुकान थी जिसमें शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था, और ये उस समय की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी थी। पिछली सदी हवाई जहाज कभी कभी देखने को मिल जाते थे। लेखिका कहती है कि उस समय जो थे हवाई जहाज बहुत कम होते थे, लेकिन कभी कभी तो फिर भी हमें दिख जाते थे। हवाई जहाज देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई भारी भरकम पक्षी पंख फैलाकर तेज गति से उड़ रहा हो, ठीक है, क्योंकि जो हवाई जहाज के जो साइड में होते हैं दोनों तरफ उसके, वो ऐसे लगते हैं जैसे किसी पक्षी के पंख हो। गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ ही एक और दुकान भी थी जहां से लेखिका ने अपना पहला चश्मा बनवाया था, और वहां के डॉक्टर जो थे वो अंग्रेज थे। जिस दुकान में कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था उसी के ही एक तरफ एक दुकान थी जहां से लेखिका ने अपना पहला चश्मा बनवाया था, ठीक है, क्योंकि उनकी आंखें कमजोर हो गई थी। और आंखें कमजोर क्यों हो गई थी, क्योंकि वो रात को टेबल लैंप की रोशनी में बैठकर पढ़ती थी जबकि दिन के उजाले में नहीं पढ़ती थी, इसलिए आंखों पर जोर पड़ता था। देखिए शुरू में जब चश्मा उन्होंने लगाया तो बहुत अटपटा लगा। देखो आज भी ऐसा ही है, ये ऐसा नहीं है कि ये पिछले समय की बातें हैं। कुछ लोग जो होते हैं या कुछ बच्चे जो होते हैं, जब सबसे पहली बार उनको चश्मा लगता है उनकी आंखें कमजोर हो जाती हैं तो बहुत अजीब सा लगता है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, देखने वालों की उसकी आदत हो जाती है तो वो उसके चेहरे पर फिर वो अजीब नहीं लगता है, वो सही लगने लग जाता है। डॉक्टर ने आश्वासन दिया था कि कुछ दिनों में उनका चश्मा उतर जाएगा, लेकिन आज तक वह नहीं उतरा। देखिए डॉक्टर तो सबको ये बोलते हैं कि थोड़े दिनों बाद अगर चश्मा लगाओगे तो चश्मा उतर जाएगा, आपकी आंखें जो है, आपकी नज़र जो है वो वहीं की वहीं रुक जाएगी, ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसमें हमारा भी हाथ होता है, क्योंकि हम वो पौष्टिक आहार नहीं लेते हैं जिसकी वजह से हमारी आंखों को पौष्टिक तत्व मिलते रहें हमारे शरीर को, ठीक है, कि हमारी आंखों से वो चश्मा उतर जाए। तो इसने लेखिका का भी चश्मा नहीं उतरा। इसकी जिम्मेदार लेखिका खुद है। वह दिन की रोशनी में नहीं पढ़कर रात को टेबल लैंप के सामने पढ़ती थी। सबसे मेन बात यही है कि हमें जितना हो सके कोशिश ये करनी चाहिए कि दिन की रोशनी में पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो सूर्य की रोशनी होती है उसमें जो है पढ़ने से हमारी आंखों पर इतना असर नहीं होता है, लेकिन जो आर्टिफिशियल जो ये आजकल ट्यूब लाइट्स वगैरह हैं इनमें अगर हम देखते हैं, इनमें बुक्स को पढ़ते हैं तो आंखों पर जो है दबाव पड़ता है। जब पहली बार उन्होंने चश्मा लगाया था तब उनके भाई, चचेरे भाई थे उनके, वो उन्हें चिढ़ाते थे। वो कहते थे कि उनकी जो सूरत है चश्मा लगाने से कैसे हो गई है, एक लंगूर जैसी हो गई है, ठीक है। लेकिन बाद में धीरे धीरे चश्मा जो है वो लेखिका में घुल मिल गया, वैसे ही घुल मिल गया जैसे कि शुरू में चश्मा अटपटा लगता है हर किसी के चेहरे पर, और बाद में उसके चेहरे पे वो मैच करने लगता है। क्यों? क्योंकि लोगों को उसको देखने की आदत हो जाती है, चश्मे में देखने की आदत हो जाती है, इसलिए वो उन्हें अजीब नहीं लगता है। तो इस तरह से यह पाठ आपका यहाँ खत्म होता है। हमने बताया है कि इसमें लेखिका ने अपने बचपन की सारी बातों को याद करते हुए हमें बताया है। तो चलिए अब इस पाठ के कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ देखते हैं। देखो मितली, मितली होता है उल्टियां, जी मचलाना, ठीक है, मुंह में पानी भर आना, लालच आना, निरा केवल, कमतर कम अच्छा, खींचना क्रोध होना, गुस्सा आना, जब हमें कोई चढ़ाता है तो हम खींच जाते हैं, हम गुस्सा करते हैं, सुभीते सुविधाजनक, शताब्दी 100 साल का समय, फ्रिल झालर जो फ्रॉक में लगती हैं, चलन प्रचलन में, कैस्टर ऑयल अरंडी का तेल, ऑलिव ऑयल जैतून का तेल, और खुराक निश्चित मात्रा, ठीक
ठीक है, हर व्यक्ति की अपनी एक निश्चित मात्रा में खाने की आदत होती है, उसे खुराक बोलते हैं। चलिए देखिए, अब इसके करते हैं प्रश्न अभ्यास। उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका में क्या क्या बदलाव हुए, ये आप सबको पाठ से मालूम करके देखने हैं, ठीक है। उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका के पहनावे में सबसे पहला बदलाव क्या आया कि पहनावे में काफी बदलाव आया। पहले वे रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही, जैसे नीला, जामुनी, ग्रे, चॉकलेटी, काला, ठीक है, ज्यादातर जो गहरे रंग होते हैं। लेकिन अब क्या, उन्हें गहरे नहीं आते थे पसंद, अब वो चाहती थी वो हल्के रंग पहने, इसलिए वो ज्यादातर सफेद रंग पहनने लगी। पहले वे फ्रॉक, निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारी, ये सब पहनती थी। अब वो बड़ी हो गई है तो चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनने लगी है। उम्र बढ़ने के साथ साथ खाने में भी लेखिका के बहुत बदलाव आया कि बचपन में कुछ और चीजें वो खाती थी, अब बड़ी होने के बाद कुछ और चीजें खाती। और ये जो है एक नेचुरल होता है कि बच्चे या कोई भी लगा लो कि जब बचपन होता है ना उस समय हमें अलग अलग चीजें पसंद आती हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हम जो है वो सादा भोजन खाना ही पसंद करने लगते हैं। तो ये एक प्राकृतिक चीज होती है। अगला क्वेश्चन है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी, सबसे मेन काम। उसके बाद अपने जूते पॉलिश करके चमकाती थी। इसी तरह उसकी सारे इतवार की जो सुबह होती थी वो इन्हीं कामों में लग जाती थी। अगला प्रश्न, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यह कहकर लेखिका क्या बताती है। लेखिका जो है वो अपने समय में और हमारे समय में हुई दूरी को बता रही है कि क्या परिवर्तन आया है, ठीक है। तो इस तुम्हारे समय और हमारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यह कहकर लेखिका हमें बता रही है कि उन दिनों मनोरंजन के लिए कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, जबकि आजकल तो रेडियो, टेलीविजन, वीडियो गेम, बहुत सारी चीजें आ गई हैं, परंतु उसके स्थान पर हर घर में रेडियो और टेलीविजन देखने को मिलता है। कुल्फी की जगह आइसक्रीम ने ले ली है, कचौड़ी, समोसा पैटीज में बदल गए हैं, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत, ये शरबत होते थे उस समय, जबकि आज के समय में क्या बहुत सारे पेय पदार्थ आ गए हैं, जैसे कोक और पेप्सी, ठीक है। इस तरह से उस समय के खाना इनमें बदल गया है। अगला प्रश्न है, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका के चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्यों छेड़ते थे। लेखिका के चश्मे लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें छेड़ते थे क्योंकि पहली बार जब चश्मा लगाया था तो लेखिका बहुत अजीब लग रही थी, उनकी शक्ल पे वो चश्मा बहुत अलग लग रहा था, इसलिए उनके चचेरे भाई उन्हें छेड़ते थे। क्या कहते थे वो कि आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, कि आँख पर लेखिका ने चश्मा लगाया है ताकि उन्हें दूर का दिखाई दे, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। लेकिन लेखिका जो है इस लड़की को ये मालूम नहीं है, ये इसे एहसास नहीं है कि चश्मा लगाने से उसकी जो सूरत है वो लंगूर जैसी हो गई है। अगला प्रश्न है, लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा लेकर खाती थी और उनमें से उनके प्रमुख फलों के नाम जो उन्हें पसंद थे। तो लेखिका बचपन में चॉकलेट, चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण जो है वो मजा लेकर खाती थी, ये उन्हें बहुत पसंद था, और इसके साथ साथ रस भरी, कसमल और काफल जो थे उनके प्रिय फल थे। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर इस पाठ का पूरा सारांश देखा है, कठिन शब्दों के अर्थ देखे हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर भी समझे हैं। तो यहाँ पर आपका ये पाठ पूरा होता है।